हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पबजी पुजारी पे। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आप सबके बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं पबजी में आए हुए 2.1 के अपडेट के बारे में। और इस अपडेट के बाद लिविक और क्लासिक मोड के साथ साथ हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जो कि आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। तो आज हम उन्हीं बदलाव के बारे में बात करेंगे और आपको पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड का रिव्यू दिखाएंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में कौन से फीचर्स न्यू ऐड हुए हैं और उनके फ़ायदा कैसे उठाए, उनका बेनिफिट्स क्या है और उन्हें यूज़ कैसे करना है, ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपका समय लिए आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बंदे का लोकेशन पता चल रहा है। कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई हमें बंदे का फुटस्टेप पता नहीं चलता है या फिर गन साउंड पता नहीं चलता है। तो यह वाला फीचर उन बंदों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करोगे तो आपको गन शॉट्स, फुटस्टेप्स, ऐसे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गन शॉट्स की। गन शॉट्स में आपको दो मोड देखने को मिलेंगे, एक होगा चैलेंज मोड और दूसरा होगा ट्रेनिंग मोड। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग मोड के बारे में, जिसमें पहला ऑप्शन है गन शॉट डिस्टेंस। यहाँ से आपको एनिमी का डिस्टेंस सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है एनिमी स्पॉन डायरेक्शन। यहाँ से आपको एनिमी का सिलेक्ट करना है किस डायरेक्शन से एनिमी आएगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से। शूटिंग फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप से एनिमी आएगा। और वेपन टाइप जो है, यहाँ पे हमने स्नाइपर रख लिया, क्योंकि हमें स्नाइपर का पता नहीं चलता है कि कहाँ से बंदा मार रहा है, कहाँ से हमें शूट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने स्नाइपर सिलेक्ट कर लिया। एंड गाइज, नीचे हमें शो एनिमी लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो जब हम इसे टिक कर लेते हैं तो हमें एनिमी की लोकेशन दीवार के आर पार भी नज़र आने लगती है। तो जैसे ही हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है तो मुझे गन साउंड से पता नहीं चलता है कि जब एनिमी स्नाइपर से फायर कर रहा है तो कहाँ से फायर कर रहा है या फिर कहाँ से हमें शूट कर रहा है। तो इस ऑप्शन को जब हम टिक कर लेते हैं तो हमें एनिमी की लोकेशन पता चलने लगती है कि वो कहाँ से हमें शूट कर रहा है। जब तक आपको एनिमी की लोकेशन पता ना चले साउंड सेंस से, तब तक आप इसको ऑन करके आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं। जब आपका साउंड सेंस परफेक्ट हो जाए तो आप शो एनिमी लोकेशन वाला ऑप्शन को ऑफ करके फिर आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं और एनिमी को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्राइंडिंग करोगे आपका साउंड सेंस उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। जब आपको एनिमी की लोकेशन उसके फुटस्टेप से और उसके गनशॉट साउंड से पता चलने लगे, तब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो दोस्तों। तो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं फुटस्टेप ट्रेनिंग मोड के बारे में। एनिमी पोजिशन आउटडोर, तो यहाँ से आपको जिस भी फ्लोर का साउंड सेंस में डिफ़िकल्टी आती है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मोमेंट रूट सिलेक्ट कर लेना है, रिपीट ऑन वन साइड, रिपीट ऑन बोथ साइड, आपको जो भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको मोमेंट टाइप में एनिमी की मोमेंट सिलेक्ट कर लेनी है। आपको जिस तरीके की मोमेंट में डिफ़िकल्टी आती हो साउंड सेंस करने में, आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद मैं शो एनिमी लोकेशन वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे साउंड सेंस करने में डिफ़िकल्टी आती है और मुझे पता नहीं चलता है कि एनिमी कहाँ पर क्राउच कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें वॉल पे एनिमी की लोकेशन शो हो रही है रेड कलर में, एनिमी की मूवमेंट शो हो रही है, एनिमी कहाँ जा रहा है और किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है। तो चलो गाइज, अब हम लोग जाते हैं और यहाँ पे मुझे पता भी चल रहा है कि एनिमी किस फ्लोर पे है और किस रूप में वो क्राउचिंग कर रहा है। तो हमने शो एनिमी लोकेशन ऑन किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर एनिमी की लोकेशन शो हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग ग्राइंडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना साउंड सेंस इम्प्रूव कर सकते हो। और जब आपका साउंड सेंस इम्प्रूव हो जाए और आपको पता चलने लगे कि एनिमी किस फ्लोर पे ग्राइंडिंग कर रहा है और किस रूम में कर रहा है, तो आप लोग शो एनिमी लोकेशन वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना। एंड गाइज, इसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, टेरेन टाइप। यहाँ से आप अपने ग्राउंड फ्लोर की टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको किस जोन में खेलना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रास, स्नो, रॉक, एक्सेट्रा। और अब हम आ जाते हैं दोस्तों चैलेंज मोड में। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इजी, इंटरमीडिएट, हार्ड और एंडलेस। आपको कौन सा भी एक मोड सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमने इंटरमीडिएट मोड सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे,
और अब देखते हैं इंटरमीडिएट मोड में क्या होता है। इंटरमीडिएट मोड यानी कि दोस्तों इजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेवल। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी एनिमी की लोकेशन कैसे चेंज होती रह रही है। जब हम एक बंदे को मार देते हैं तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक और वो दूसरे लोकेशन पे आ जाता है। चैलेंज मोड आपका टाइमर के साथ स्टार्ट होता है और एक बंदे को किल करने पे आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और टाइमर ख़त्म होने के बाद आपका लास्ट में रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है कि आपको कितने पॉइंट्स मिले। और दोस्तों ये सिर्फ ऐसे ही पॉइंट्स है, इसका आपको आईडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ये आपके गेम प्ले को उतना बेटर बना देगा और आपका साउंड सेंस और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, जिससे कब एनिमी कहाँ पे स्प्रॉल कर रहा है, कहाँ पे क्राउच कर रहा है, आपको सब उसके फुटस्टेप से पता चल जाएगा और आप एनिमी के गन शॉट से उसकी लोकेशन पता कर पाएंगे। एंड गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेडफोन स्ट्रांगली रिकमेंडेड लिखा हुआ है, यानी कि बिना हेडफोन के आप कभी भी एक अच्छे गेमर नहीं बन पाओगे, आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे, क्योंकि बिना हेडफोन के आपको बंदे की साउंड सेंस नहीं आएगी फुटस्टेप्स की और गन शॉट्स की। और हमने साउंड सेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।